दोस्तों, ओडीआई सीरीज को अपने कब्जे में करने के बाद अब बारी है टी20 सीरीज की, जहां पर 25 जुलाई को पहला टी20 मुकाबला जो है इंडिया श्रीलंका के बीच खेला जाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितने बजे से ये मुकाबला लाइव जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा और किस तरह की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होने वाली है पहले टी20 मुकाबले में, जहां पर बड़े बड़े बदलाव हमें जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या टीम इंडिया ओडीआई सीरीज की तरह टी20 सीरीज को भी अपने कब्जे में कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले की अगर बात करें तो 25 जुलाई यानी कि कल ये टी20 मुकाबला जो है वो खेला जाना है। वेन्यू बिल्कुल सेम है, कोलंबो में ये मैच जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो टाइमिंग है उसमें दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव जो है वो हुआ है। जहां पर टी20 मैच की अगर हम बात करें तो रात के 8 बजे से लाइव हमें टी20 मुकाबला जो है वो देखने को मिलने वाला है। ओडीआई मैच दोस्तों हमें लाइव जो है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होता हुआ नजर आया था, लेकिन जो टी20 मुकाबले हैं वो देर रात 8 बजे से शुरू होते हुए हमें नजर आएंगे। तो बड़ा बदलाव दोस्तों यहां पर टाइमिंग में जो है वो हुआ है, जहां पर आपको एक और बार बता दें कि रात 8 बजे से मैचेस जो हैं हमें लाइव देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर दोस्तों बात करें अगर हम प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तीसरे ओडीआई मुकाबले से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि तीसरे ओडीआई मुकाबले में बड़े बड़े प्लेयरों को आराम दिया गया था, लेकिन यहां पर क्योंकि ये पहला टी20 मुकाबला है, टीम इंडिया एक और बार बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जो है वो नजर आने वाली है। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो शिखर धवन जो कि कैप्टन है ओपन करते हुए हमें नजर आएंगे पृथ्वी शाह के साथ या फिर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, क्योंकि दोस्तों यहां पर खबर इस तरह की भी निकल कर आ रही है कि पृथ्वी शाह और देवदत्त पाडिकल यहां पर इंग्लैंड जो है वो रवाना हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऋतुराज गायकवाड़ हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों ईशान किशन हमें खेलते हुए नजर आएंगे, चौथे नंबर पर संजू सैमसन को यहां पर मौका मिल सकता है, पांचवें नंबर पर सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में हमें जो है वो नजर आ सकते हैं। इनके बाद दोस्तों 2 प्रॉपर ऑलराउंडर होंगे जो कि होंगे कुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या। नंबर 8 पर दीपक चहर हमें यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार। इनके बाद दोस्तों 2 प्रॉपर स्पिनर होंगे जहां पर वरुण चक्रवर्ती हमें डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, टी20 डेब्यू करते हुए वरुण चक्रवर्ती पहले टी20 मैच में हमें नजर आ सकते हैं, और 11वें नंबर पर युजविंदर चहल हमें प्लेइंग 11 में जो है वो नजर आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की पहले टी20 मुकाबले में जो है वो हो सकती है, जहां पर बड़े बड़े बदलाव जो है वो होंगे अगर हम तीसरे ओडीआई मुकाबले से कंपेयर करें तो, और यहां पर एक बहुत ही बढ़िया प्लेइंग 11 जो है हमें नजर आ रही है। आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये प्लेइंग 11? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। क्या आप कोई चेंज यहां पर देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।